और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजा भैया की। बीते दिनों अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच कैसी सियासी जंग छिड़ी थी वो आप सबने देखा, लेकिन जब विधायक पद की शपथ लेने के बाद राजा भैया अखिलेश के साथ दिखाई दिए, उनके सामने से गुजरे तो उन्हें नमस्कार भी किया। जवाब में अखिलेश यादव ने भी दोनों हाथ जोड़े और इसके बाद जब सतीश महाना के स्पीकर बनने पर सभी का संबोधन शुरू हो रहा था तो दोनों के बीच फिर से सियासी जंग की तस्वीर दिखाई दी। अखिलेश का लेफ्ट इशारा, राजा भैया का तंज कदारा। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके, आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे। आप अब केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। और ये हाउस के वो रेफरी हैं आप, हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना क्योंकि आप राइट से आए। श्रीमान 29 वर्ष हो गए हैं हम लोग साथ साथ यहीं बैठे, तो किसने आपको कोई ये सलाह दे कि हमारे ऊपर भी नजर डालें, इसका मैं कोई औचित्य अभी नहीं अनुभव कर रहा हूं। चुनाव मैदान में खूब गर्जे, विधानसभा में प्यार बरसे। कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जब एक नेता जी ने कहा कि बस कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हमके धरती पे अभी कोई माई कला पैदा नहीं होता। विधानसभा में हर उस चेहरे का आमना सामना हो रहा है जो चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर चुभते हुए हमले कर रहे थे। राजा भैया ने जब सदन में पहला संबोधन दिया तो अखिलेश यादव के नाम के आगे आदरणीय लगाया और पहली बार विधायक बनने पर बधाई भी दी। राजा भैया की बधाई का अखिलेश ने मेज थपथपाकर स्वागत भी किया। मैं आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आप दोनों को भी बधाई देना चाहूंगा जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं, उनका भी इस सदन में स्वागत है। राजा भैया की बात पर टेबल थपथपाने वाले ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने नवंबर 2021 में राजा भैया को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? कौन है ये? मैं आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आप दोनों को भी बधाई देना चाहूंगा जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं, उनका भी इस सदन में स्वागत है। राजा भैया का संबोधन भले छोटा था लेकिन हर एक बात वजनदार थी। कबीर का एक दोहा सुनाते हुए उन्होंने पूरे सदन का हाल समझा दिया। अगर दलील ये पहला ध्यान आकर्षण समझ लीजिए कि हम आपका कर रहे हैं, सलाह देने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों के ऊपर संख्यावार आप जाएं तो या तो आपके सहयोगी जीते हैं या तो आपके सहयोगी जीते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। तो बड़ी छोटी सी संख्या जिसमें मोना जी भी हैं, उमा शंकर जी भी हैं, जनसत्ता दल भी है। राजा भैया की पार्टी विधानसभा के भीतर बसपा से भी मजबूत है क्योंकि इस बार बसपा का सिर्फ एक ही विधायक जीत पाया और नई नवेली पार्टी बनाने वाले राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के खाते में दो सीटें गई हैं। सदन के भीतर पहले दिन सभी दलों की बातें शांति और सद्भावना का संकेत देती हैं, लेकिन राजनीति में हर दिन एक जैसा नहीं होता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।